यूथ इनेलो की ओर से पुलवामा में शहीद हुए शहीदों की याद में पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज करनाल के शाखा ग्राउंड में इनेलो के कार्यालय में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर युवा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह संधू ने बताया कि युवा इनेलो द्वारा हर जिला मुख्यालय पर शहीदों की याद में या तो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन भी है, उनकी याद में विभिन्न स्थानों पर जाकर फल वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर जिला इनेलो अध्यक्ष जसवीर राणा सहित बड़ी संख्या में युवा इनेलो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की यूथ की तरफ से पुलवामा में जो अटैक हुआ था, इस दिन उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी युवा साथी मिलकर के अपने अपने जिला में वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो हमारे भारत के अंदर, और इतना भी कहना चाहूँगा कि जो अटैक हुआ था वो किसी बाहरी शक्ति की वजह से नहीं हुआ था, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने हमारे वीरों को शहीद करने का काम किया था। आपने देखा होगा और आज टीवी के ऊपर भी देख रहे हो, जो उस समय शहीद हुए थे उनका परिवार आज किस तरह से दर्द की ठोकरें खा रहा है, ना उनका कोई पूछने वाला है। सरकार ने घोषणाएं तो की थी 12 लाख रुपये देंगे, 15 लाख रुपये देंगे, परिवार को एक नौकरी भी देंगे, लेकिन ना किसी को नौकरी दी और ना किसी को पूरे पैसे दिए। अभी पंजाब के मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था, 12 लाख रुपए वहाँ पर पंजाब सरकार ने कहे थे, उनको 5 लाख रुपए का चेक दिया गया, 7 लाख रुपए का चेक उनको अब तक भी रखा हुआ है, ना उनको नौकरी देने का काम किया है। और ये पुलवामा अटैक जो हुआ था, एक सोची साजिश थी ये सरकार की, सिर्फ लोगों का वोट लेना चाहते थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज मैं उन वीर शहीदों को अपनी लोकदल पार्टी की तरफ से नमन करता हूँ। पार्टी के बहुत ही संघर्षशील नेता अभय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन भी है, आज हम उनके जन्मदिन की जो खुशी है उसमें हम गरीब बच्चों को जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के फल वितरित करने का काम भी करेंगे। आज लोकदल पार्टी के लिए गम का समय भी है और थोड़ा खुशी का समय भी है, यह मिला जुला समय आज का हमारी पार्टी के लिए है। तो मैं तो एक बार फिर से सभी अपने देश के वीर शहीदों को सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल युवा शाखा की ओर से जो देश के अंदर पिछले वर्ष पुलवामा में अटैक हुआ था, उसके शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हर जिला के अंदर जिला के कार्यालय के ऊपर उनके शहीदों को नमन करने के लिए ये आज सब जगह किया जा रहा है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि पिछले वर्ष देश में एक ऐसे आज के दिन एक ऐसा बहुत ही घटनाक्रम हुआ, कुछ राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए ये किया गया था, ये तो सभी को पता ही है, लेकिन देश की जनता सब जानती है। और इसी के साथ ही आज हमारे बहुत ही शक्तिवान और बहुत ही ओजस्वी नेता भाई अभय सिंह जी का जन्मदिवस भी है, हम उनका जन्मदिवस भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा शाखा हर जगह मना रही है और पूरे हरियाणा प्रदेश की ओर से कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो और दिन चौगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। धन्यवाद, जय हिंद। आज हमारे पहले तो नेताजी का भी जन्मदिन है, आज हम उसकी खुशी में बधाई में यहाँ पार्टी कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं, और जो पुलवामा हमले में हमारे जो भाई शहीद हुए थे उनके बारे में भी हम आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा है, जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई है। हमारी पार्टी समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है और देश की सेवा के लिए जो हाजिर होते हैं उनको सलाम करते हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।